हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग के बारे में। जो बॉयलर माउंटिंग होती है वो इंस्ट्रूमेंट और फिटिंग होते हैं जो बॉयलर के ऊपर डायरेक्टली माउंट होते हैं और इसे बॉयलर की सुरक्षा और कंट्रोल में काम में आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस एक्ट 1923, ये लिस्ट है जिसमें प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर्स, फीड चेक वॉल, मेन स्टीम स्टॉप वॉल, फ्यूजिबल प्लग, ड्रम एयर वेंट वॉल, स्टार्ट ऑफ वेंट वॉल, ब्लो ऑफ कोक और मेन होल दिया हुआ है। तो समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले प्रेशर गेज, ये डिवाइस लगाया जाता है ताकि फ्लूड की प्रेशर को इंडिकेट कर सके। नेक्स्ट है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल जनरली तीन होते हैं और दो सेफ्टी वॉल जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टीम ड्रम के ऊपर माउंट रहता है। एक सेफ्टी वॉल सुपर हीटर आउटलेट हेडर या फिर आउटलेट स्टीम लाइन में माउंटेड रहता है। तीनों सेफ्टी वाल का जो प्रेशर है वो डिफरेंट सेट किया जाता है। पहला जो सेफ्टी वाल सेफ्टी ड्रम सेफ्टी वाल है वो उसका जो जो बॉयलर की जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर पर इसे सेट किया जाता है। दूसरा सेफ्टी वाल का सेटिंग जो होता है वो स्लाइटली लोअर रहता है पहले सेफ्टी वाल से। मेन स्टीम हेडर सेफ्टी वॉल्स सेट होता है एज पर स्टीम प्रोसेस या फिर टर्बाइन की जो इनलेट स्टीम डिज़ाइन प्रेशर है के अनुसार ये मेन स्टीम हेडर सेफ्टी वॉल्स हमेशा दोनों ड्रम सेफ्टी वॉल्स से कम प्रेशर पर सेट होता है। और ये हमेशा हाई प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, ये सबसे पहले ब्लो होता है। ये स्प्रिंग लोडेड या फिर डेड वेट टाइप सेफ्टी वाल होता है। अब आते हैं वाटर लेवल गेज ग्लास। वाटर लेवल गेज ग्लास स्टीम ड्रम के दोनों तरफ एक एक लगा होता है जो ड्रम के अंदर जो वाटर का लेवल है उसे देखने के लिए। ये ग्लास ट्यूब टाइप या फिर ट्रांसपेरेंट पॉट टाइप होते हैं। जनरली ये बोरा सिलिकेट टफनेट ग्लास यूज होता है इसमें। यदि किसी कारणवश किसी एक ग्लास फेल हो गया है तो दूसरा ग्लास गेज ग्लास लाइट में रहेगा। अब आते हैं फीड चेक वॉल। फीड चेक वॉल क्या होता है, ये एक कंपाउंड टाइप वॉल होते हैं। इसमें आइसोलेशन वॉल और साथ ही नॉन रिटर्न वॉल वर्क करता है। ये फीड वाटर लाइन में इकोनोमाइजर इनलेट के पहले लगा होता है। अब आते हैं मेन स्टीम स्टॉप वॉल में। इसमें एक बाईपास भी दिया होता है। बाईपास क्या होता है, जब स्टार्टिंग में शुरू में जब मेन स्टीम लाइन को चार्जिंग किया जाता है या हीट किया जाता है तो ये बाईपास से करते हैं। मेन स्टीम स्टॉप वॉल जो मेन स्टीम लाइन में लगा होता है ये स्टीम के फ्लो को स्टॉप या फिर अलाउ करता है। बॉयलर से स्टीम पाइप में ये जनरली गेट वाल होता है जो मैनुअली या फिर मोटराइज ऑपरेट होता है। अब आते हैं फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है कि ये फ्यूजिबल पर मतलब क्या होता है, फ्यूजिबल मतलब जो फ्यूज होता है पिघल जाता है। ये फ्यूजिबल प्लग जो होता है वो जनरली इंटरनली
फायर बॉयलर के अंदर काम करता है। जब पानी का लेवल गिरने लगता है तो गिरने पर जब पानी का लेवल गिरने लगता है और उसके कारण से जो ओवर हीटिंग के कारण बॉयलर डैमेज होने से बचाने के लिए ये लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एयर वेंट। जरिए दो होते हैं, एक ड्रम के ऊपर और एक लाइन में। इसे ओपन किया जाता है जब बॉयलर में वाटर फिलिंग और ड्रम प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आने तक। अगला है स्टार्टअप वेंट। ये वाल्व लगाया जाता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व और बॉयलर स्टीम आउटलेट हीटर सुपर हीटर। ये स्टार्टअप वेंट का यूज़ मोस्टली फॉर बॉयलर स्टीम प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जब बॉयलर चालू करते हैं तब किया जाता है। साथ ही ये एक्सेस स्टीम को रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में जब स्टीम डिमांड कम होता है। ये न्यूमेटिकली ऑपरेट होता है। अगला आते हैं ब्लो डाउन वाल्व। ब्लो डाउन वाल्व का क्या मतलब होता है? ब्लो डाउन वाल्व या फिर ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो डाउन वाल्व का मतलब होता है जो ये दो तरह का होता है, कंटिन्यू ब्लो डाउन एक इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। कंटिन्यू ब्लो डाउन का मतलब होता है जो रनिंग में मोस्टली ये कंटिन्यू मोस्टली ये रनिंग में ओपन रहता है बॉयलर की जो वाटर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। इंटरमीडिएट ब्लो डाउन के क्या मतलब होता है? ये जो ब्लो डाउन होता है इसे ओपन किया जाता है एज़ पर एडवाइस ऑफ टेस्टिंग केमिस्ट। जो टेस्टिंग केमिस्ट है उसकी एडवाइस पर ये इसे ओपन किया जाता है टू कंट्रोल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इन रनिंग बॉयलर। और अगला है मेन होल। मेन होल्स क्या होता है? मेन होल्स जो ड्रम के जो इनर सफाई के लिए शट डाउन कंडीशन में इसे ओपन किया जाता है यूज किया जाता है।